क्या आप भी अपनी जीमेल की आईडी परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, वो भी मोबाइल से? तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, आपको मुकम्मल तरीका बताता हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो आज की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किस तरह जीमेल की आईडी डिलीट करनी है, मुकम्मल डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगा। परमानेंटली डिलीट होगी और वो भी मोबाइल फ़ोन पर। किस तरह करना है, सबसे पहले आपने अपना गूगल ओपन करना है, ठीक है। गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ साइड में एक निशान नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला निशान, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। आपने यहाँ गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है, ये गूगल अकाउंट, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, डेटा है, वो खुल कर आ जाएगा, ठीक है। ये देखें तो आपने यहाँ तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करना, डेटा एंड प्राइवेसी, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ नीचे आना है, नीचे आना है, यहाँ नीचे आपको यहाँ आइकन एक मिल जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन, ठीक है। ये देखें, डिलीट और रिमूव यू, डिलीट और गूगल सर्वे, ठीक है, ये वाला आइकन, इस पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे कुछ यहाँ इंफॉर्मेशन मांगेगा, ठीक है, तो वो आपने यहाँ देनी है। तो यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। ये यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि यूअर डिवाइस विल आस्क फॉर यूअर फिंगरप्रिंट, फेस और स्क्रीन लॉक, ठीक है। तो आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है, तो आप अगर फिंगरप्रिंट आपका मोबाइल है तो आपने फिंगर लगाना है, ठीक है, या फेस लॉक, या आप स्क्रीन लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ यूज़ स्क्रीन लॉक इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्क्रीन लॉक मैंने इस्तेमाल करना है यहाँ, तो मैंने स्क्रीन लॉक यहाँ इस्तेमाल किया, ठीक है। तो यहाँ आपके सामने इनके जो खुल कर आ जाएगा, ठीक है, तो डिलीट का ऑप्शन, ठीक है। तो वहाँ पर आपने डिलीट किस तरह करना है वो भी आपको बताता हूँ। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। ये देखें, डाउनलोड योर डेटा, यूट्यूब, जी मेल, थ्री कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये सब कुछ आपकी डिलीट होंगी। तो किस तरह डिलीट करनी है दोस्तों, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप, नीचे हमने यहाँ यस आई एक्नोलेज दैट आई एम स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी चार्जेस इनक्यू ड्यू टू एनी, ठीक है, इसको आपने टिक कर देना उस। और नीचे है एक ऑप्शन, ऑप्शन है यस आई वांट टू परमानेंटली रिलीज डिलीट दिस गूगल अकाउंट एंड ऑल इट्स डेटा, ठीक है, इसको भी आपने क्लिक कर देना है, ठीक है, टिक कर देना है। टिक करने के बाद अब जो आपका है तमाम डेटा है, ठीक है, इस ईमेल आईडी का, ठीक है, इस गूगल अकाउंट का जो ऑल डेटा है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। आपने डिलीट अकाउंट पर क्लिक करना है तो ये जीमेल आईडी जो है आपकी परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, ठीक है। जो भी आपका है यहाँ डेटा है वो आपका परमानेंटली यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। डिलीट अकाउंट पर आप जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने डिलीट अकाउंट पर क्लिक कर दिया तो यहाँ कुछ ही मिनट में, ठीक है, तो यहाँ ईमेल आएगा कि आपका परमानेंटली डेटा जो है वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो आप भी इसी तरह, आपने कोई स्टेप गलती नहीं करनी, वरना कुछ और भी डिलीट हो सकता है, ठीक है। तो आपने इसी तरह करना है। तो उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद ही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आपने बहुत बहुत ख्याल रखा दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।